हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर एंट्री ले लिए हैं, तो एंट्री में हम लोग एक आदमी का 20 रुपये दिए हैं, तो हम दो हैं तो 2 40 रुपये दिए हैं, और बच्चे लोग का नहीं लिए हैं। तो देख सकते हो कई बच्चे लोग का ले रहे हैं जिसकी उम्र ज़्यादा है। तो हम मेरा बेटा तो अभी खाली 4 साल का है और उससे छोटा है, तो इस वजह से तो अभी जाते हैं इधर। इधर पुलिस वाले लोग भी खड़े थे, मास्क देख रहे थे पहने हैं कि नहीं करके, और कुछ वही इधर ज़्यादातर इधर क्या है ना, कपल्स ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से पुलिस लोग भी आज मतलब हमेशा रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं बहुत सालों के बाद आ रही हूँ मैं, तो देख सकते हो इधर चलाओ तो सही है, तो चल ही नहीं रहे। इसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं, चलना ही तो बहुत ही बढ़िया गार्डन है। और इतना दिन बाद आई हूँ मैं एक गार्डन में, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि आएंगे करके, लेकिन इससे पहले हम लोग 2-3 साल पहले आए थे इस गार्डन पे, उसके बाद अब आ रहे हैं। तो देख सकते हो, और ये इधर आसपास में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही साफ सुथरा था इस पर। तो इसका मैं नाम आप लोग को बता दूँगी, इस पार्क का नाम। तो इधर देख सकते हो सूर्य का प्रकाश बहुत ही अच्छा आ रहा है। और अरे कितना गंदा कर दिया, और सुन इधर तो थन मत फेंकना है, उसको खा के ना वो डस्टबिन में फेंकना। तो मेरा बेटा आइसक्रीम खा रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी कि डस्टबिन में डालना, इधर उधर नहीं फेंकना करके। तो अब ये इसका नाम बता रही हूँ, इस पार्क का नाम, इसको ज़्यादातर ये फेमस ना ऊर्जा पार्क के नाम से है, और कपल पॉइंट वो वगैरह भी बोलते शायद, लवर पॉइंट बोलते शायद, तो ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊर्जा पार्क के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। और ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में, और ये पड़ता है VIP रोड साइड। तो इसके जस्ट इससे पहले मतलब ऊर्जा पार्क के जस्ट पहले फुंडहर आता है, तो उसके बाद ये आता है, ये पार्क जस्ट उसके आगे ही थोड़ा सा। तो आज इतने सालों के बाद हम लोग घूमने आए, और बहुत ही हर जगह चेंज हो चुका है यहाँ पर। और ये चक्के वक्के हैं, उस पर बच्चे लोग को फ़ोटो वोटो, तो चक्के वक्के में फ़ोटो वोटो क्लिक किए थे बच्चे लोग का, और अपना भी सब लोग का किए थे। और इधर कुछ कुछ बच्चे लोग के लिए चिप्स वगैरह भी ले जा रही हूँ, और हम लोग ने पीने के लिए स्प्राइट वगैरह भी पकड़ी हूँ। पानी बोतल मैं घर से लाना भूल गई, और मतलब इतना जल्दबाजी में थे कि मेरे को याद ही नहीं आया, और यहाँ पानी बोतल पूरा ख़त्म हो चुका था इस वजह से। तो देख सकते हो बच्चे लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे झूला है, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए हैं। तो देख सकते हो वीर तो आते ही लग गया अपने काम में, और ये इधर झूल रहा है, और छोटा बाबू भी झूल रहा था इधर। दादा इधर देखो, तो मोबाइल से देख ले। वाह, चलो चलाओ ये। मैं देखना गिनना नहीं, फिर कैसे करोगे? इधर सीढ़ी से अंदर से उतरना पड़ेगा आपको। हाँ बाबू, उधर सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा आपको, इधर से अंदर जाओगे ना तो पैर इधर करना पड़ेगा, इसमें से उतरना है आपको, इधर आके पैर को इधर करना है। आज पापा के पास जाएंगे, देख झूला में है, आज देखेंगे। तो देखते तो बाबू झूला झूल रहा है, तो ये शुरू में क्या डर रहा था, लेकिन वो बगल वाला बच्चे को देखा ना तो झूलने के लिए देख, फिर वो मम्मा को देख पहले। और अभी देखो कितना अच्छा स्माइल दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको। जब हम लोग इसको उतारे ना झूला से, तो उतर ही नहीं रहा था, बहुत टाइम पे उतरा ये, तो बहुत टाइम से झूल रहा था ये। और दूसरे बच्चे लोग देख रहे थे कि हमको कब मिलेगा, वाह हमारी बारी कब आएगी, दूसरे बच्चों को भी झूलने दो करके। तो मैं इसको उतारी बाद में, बहुत लेट से उतरा, और बहुत ही जिद कर रहा था, तो उसका भाई भी बोल रहा था मुझे झूलाना करके, तो मैं उसको बोल रही थी चलो झूला दे इसको करके। तो देख सकते हो वैसे तो इन दोनों का पटता नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब बाहर आते हैं ना घूमने के लिए तो आराम से पट जाते हैं।
तो देख सकते हो। और इधर अभी चलते हैं उधर आगे और क्या क्या है देखते हैं अभी। वैसे तो पार्क बहुत ही बड़ा है, तो इधर फैमिली लोग वाले लोग ज़्यादा ही रहते हैं, और उधर जाओगे तो पूरा उधर कपल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग बस इधर ही से घूमे और उधर गए नहीं थे। और है उधर बड़ा सा, तो इधर ही घूम रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चे लोग को ऐसी जगह पसंद आता है जहाँ थोड़ा पब्लिक हो और ये झूला वगैरह हो, तो इसलिए। और उधर क्या वॉकिंग करने का बस ये जगह है, तो मैं उसका दिखा दूँगी कि किधर से जाते हैं दूसरा वाला रोड, जहाँ सिर्फ हरियाली हरियाली है, बस रोड ही रोड है, वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ आप वॉकिंग कर सकते हो और ऐसी अपना टाइम बिता सकते हो उसमें, ऐसा है वो उस जगह। तो देख सकते हो अभी तो चलते हैं, फ़िलहाल बच्चे लोग को झुलाना है अभी। तो देख सकते हो बाबू लोग चल रहे हैं और मेरा बेटा भी चल रहा है छोटा वाला। ये तो अच्छा ही है कि कम से कम मेरा गोदी में तो नहीं रहता, कम से कम मतलब कहीं घूमने जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एकदम गोदी में दिन भर रहता है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चलता भी है और खेलता भी है। कहीं भी जाओ ना गार्डन वार्डन, तो ये बस अपना में मगर रहता है। तो देख सकते हैं वीर तो अभी ऊपर में चढ़ा है, तो इसका भी 20 रुपये ले रहे हैं तो एक बच्चे का। तो छोटा वाला बाबू को तो नहीं चढ़ा है क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो दब जाएगा बच्चे लोग के बीच में। तो बड़ा वाला को तो भेज दिए हैं, तो कूद रहा है उधर ऊपर में। तो ये भी अच्छा है एक तरह से, अच्छा इसको रख के अच्छा ही किया है, क्योंकि बच्चे लोग के लिए ना ये सबसे अच्छा रहता है कूदने के लिए, और अच्छा लगता है बच्चे लोग को भी पसंद आता है ये। तो अब मैं इधर दिखा रही हूँ आप लोग को, ये बोटिंग एरिया है और इतना अच्छा है ना, मतलब ये खाली ऐसी तालाब है जिसमें पूरा बोटिंग चलता है, और इसका भी एंट्री 50 रुपये है शायद मेरे ख्याल से। मैं तो इधर कभी गई नहीं हूँ ना बैठी भी नहीं हूँ, लेकिन एंट्री फ़ीस ना 50 रुपये लिखा है, और वो पूरी मतलब एक आदमी का है या फिर बच्चे लोग का भी ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 50 रुपीज़ बस बताया उधर। तो मैं थोड़ा सा बच्चे को दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर अभी पीछे वो झूला में झूल रहा है ना, तो इस वजह से मैं सोची चलो इसको बोटिंग दिखा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो इसको इधर लाई हूँ मैं। तो इसके पापा बोल रहे थे कि मुझे भी बोटिंग करना करके, तो फिर उसके बाद में हम लोग और आए। तो ये देख सकते हो इधर से जाएंगे ना, तो इधर एक वो झूला टाइप का, तो उधर से जाएंगे ना तो पूरा वॉकिंग का है, और बहुत बड़ा है उधर गार्डन, उधर ट्रेन का पटरी वगैरह बहुत सारा कुछ है उधर, जैसे भैंस कुछ का वो बना हुआ है। तो देख सकते हो अभी बच्चे लोग को थोड़ा भूख लगा, तो उसको बस चिप्स वगैरह खिला रहे हैं, और भी तो चिप्स खा के वो चला गया अपना फिसलने के लिए, इधर तो फिसल गए हैं। और अब वो बोल रहा है मुझे इधर जाना उधर जाना करके परेशान कर रहे थे, तो मैं इसके पापा को बताया कि बोटिंग एरिया अभी थोड़ा खाली करके, तो अब इधर आए हम लोग बोटिंग साइड। तो देखते तो इधर तो पूरा लंबी लाइन लगी थी, पूरा मतलब खाली ही नहीं था, और उस टाइम खाली था जब मैं आई थी। तो देख सकते हो इधर पूरा भीड़ था, तो सोचे चलो बहुत टाइम हो जाएगा और रात भी हो जाएगा, तो हम लोग बस इधर आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा रात होगा फिर अच्छा नहीं लगेगा उधर बोटिंग में, तो इस वजह से। तो फिर कभी आएंगे तब बोटिंग में बैठेंगे करके। तो देख सकते हो अभी इधर जा रहे हैं, और लाइट वाइट सब जल गई है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, और मेरे ख्याल से अभी 6:15 ऐसा कुछ हो रहा था यहाँ पर। तो देख सकते हो कितने अच्छे फ्लावर लग रहे हैं, मतलब इतना पसंद आया ना सच में, बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मतलब वीर और तो यूवी तो जाने के लिए ही नहीं कर रहा था, वो तो उन लोग को इतना पसंद आ रहा था। और वीर को तो देख ही रहे हो आप लोग कि वो किधर इधर उधर सब तरफ घूम रहा है वो अपना दौड़ दौड़ के, और फिर बीच में क्या बोलता था, मम्मी पापा चिल्लाता था अपना, खुद कहीं कहीं चला जाता था और बोलता था कि मम्मी पापा आप लोग कहाँ हो, मैं तो घूम गया हूँ घर के। तो फिर हम लोग उसको आवाज़ लगाते थे, तब वो आता था दौड़ के। तो देख सकते हैं छोटा वाला बाबू भी था, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा था, बार बार मेरे को देखता था फिर उधर चलता था, फिर मेरे को देखता था फिर उधर चलता था, मतलब उसको लग रहा था कहीं मैं घूम ना हो जाऊं करके। तो देख सकते हो कुछ फ़ोटो लिए थे यहाँ का, बहुत ही अच्छा प्यारा जगह है, और एक बार आप लोग ज़रूर से आइएगा पूरा फैमिली, और बहुत ही अच्छा जगह है, और ये घूमने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बच्चे लोग के लिए तो सबसे बेस्ट है ये जगह मेरे ख्याल से। और ये मटका वाले साइड मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना था, लेकिन इसके पापा ये वाले रोड से आ गए ना, तो मैं बोली चलो वापस करके, तो नहीं इधर चलो ना उधर एनर्जी रायपुर लिखा है उधर वो करते हैं करके, तो मैं बोली चलो उधर ही क्लिक करवा लेते करके।
तो फिर वहीं जा रहे हैं हम लोग और बाबू लोग को भी ले जा रहे हैं, पर ये लोग जा नहीं रहे थे, उधर उधर जा रहे थे, तो दोनों बच्चे को संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, लेकिन यहाँ बिंदास घूम रहे हैं बच्चे लोग, इतना टेंशन ही नहीं है। तो देख सकते हो इधर अभी क्या है, इसमें लिखा है एनर्जी पार्क रायपुर, तो ये सबसे अच्छा है पता है। और ये हिरन में है ना, वो लाइट वाइट लगा है तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और थोड़ा सा रात हुआ ना तो और भी खूबसूरत लगने लग गया नज़ारा। और देख सकते हो सब तरफ नारियल का पेड़ ज़्यादा है, कभी नारियल के पेड़ के नीचे बैठोगे ना तो एक नारियल टप से गिरेगा सर पे। फिर मैं तो बार बार देख रही थी, एक जगह बैठने वाली थी लेकिन देखी नारियल का पेड़ है और नारियल फला हुआ है तो मैं साइड में बैठ गई, अरे क्या पता कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं वहाँ से हट गई थी। तो देख सकते हो अभी शाम हो ही रहा है, अभी थोड़ा देर में। अब ये देखो हम लोग उधर जा रहे हैं, तो ये बाबू कहाँ जा रहे, उधर चला गया था, फिर उसको बुलाई तो इधर आया है वो। तो अब आए हैं तो अच्छे से घूमेंगे, और हम लोग का क्या टहलना भी हो रहा है, तो सबसे अच्छा ये लगा मुझे। और बहुत दिन से मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी चलो 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 करके, लेकिन वो इतना कभी नहीं मतलब आना नहीं चाहते थे यहाँ, वो सोचते थे कि सिर्फ मतलब लवर पॉइंट है तो ज़्यादा वो सब वही लड़की लड़के लोग ज़्यादा आते हैं करके, तो फैमिली वैमिली ज़्यादा ऐसा करके। तो मैं बोली नहीं चलो इस बार देखते हैं ना कैसा है करके, तो उसके बाद इतना जीत की ना तब आए पता है, मतलब आना ही नहीं चाहते थे वो, मेरी वजह से आए। अब आए ना तो क्या बोलते, दोबारा और आएंगे, और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो आएंगे यहाँ, एक बार बोटिंग वोटिंग करेंगे बोल रहे थे। मैं बोली अच्छा लगा ना ये वाला पार्क करके, तो बोले कि बहुत अच्छी है इस करके। अपना खुद आए थे एक बार अभी बीच में, मेरे को बताया नहीं पर वो बोल रहे थे मैं आया था एक बार बीच में दोस्त लोग के साथ करके बोल रहे थे, तो मैं भी उसको कुछ नहीं बोली। तो इधर देख सकते हैं क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं, और इधर आराम से फैमिली, इधर ना बहुत सारे फैमिली आए हैं यहाँ पर पिकनिक विकनिक अपना मना रहे हैं, कुछ कुछ घर से लेके आए हैं, तो और यहाँ पर बहुत ही अच्छा से वो कर रहे हैं। तो देख सकते हो इधर बहुत ही अच्छा गार्डन है, और ये जो है ना यहाँ पर मैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए जा रही हूँ, तो ये बच्चे लोग को देख रहे हैं कहीं गिर ना जा करके, तो ये लोग ना खुद से चल रहे हैं मालूम, तो इसको मैं बोली इसके पापा को कि आप पकड़ लो नहीं तो गिर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ना पानी है पूरा, तो ये पूल टाइप का बना है तो ये बहुत ही अच्छा है। और क्या है अगर हाँ इसमें ऐसा है कि अगर मोबाइल अगर गलती से नीचे गिरा ना तो सीधा पानी में जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े थोड़े बड़े बड़े होल हैं, मोबाइल चला जाए ऐसा होल है। तो वहाँ पर फ़ोटो वोटो क्लिक किए, और देख सकते हो शाम का टाइम है और इतना अच्छा लगा ना, मतलब अभी रात होने ही वाला है थोड़े देर में, तो देख सकते हो जगह जगह कितने सुंदर सुंदर लाइट लगे हैं और कितना अच्छा फ़ोटो आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट और रंग बिरंगी लाइट, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे नज़ारा है शाम का। तो देख सकते हो, तो अभी ये वीडियो मेरा लंबा जा रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि अगली बार हम बोटिंग का भी दिखाएंगे, जब भी हम आएंगे तब आप लोग को बोटिंग का ज़रूर से दिखाएंगे कि वहाँ का टिकट वगैरह क्या है और क्या चीज़ का लगता है, बच्चे लोग का लगता है कि नहीं। तो देख सकते हो वीर तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है शुरू से, वैसे ये मतलब ना कितना भी चिल्ला लो उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन अरे बाबू भी बहुत देर से चल रहा है, अब इसको मैं गोदी में ले लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसका पैर दर्द देगा, तो फिर ये रोने लग जाएगा, और छोटे बच्चे को ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही छोटा है ना अभी, इस वजह से 1.5 साल का है, तो थोड़ा देर में इसको मैं गोदी में ले लूँगी। तो अभी ये मैं उसको गोदी में लेने वाली थी तो ये ना फिर से नहीं नहीं गोदी में नहीं जाऊँगा ऐसे वैसे करके रोने लग गया था, तो मैं इसको फिर से छोड़ दी। तो देख सकते हो ये भी फिर से जा रही है, और इधर अगल बगल देख सकते हो लाइट फूल वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा है, और देखते हैं अब इधर दोबारा कब आना होता है। तो देख सकते हो, और ये पेड़ वगैरह नारियल का पेड़ वगैरह बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, और बाहर में कुछ कुछ सामान भी बिक रहा है, तो हमें ये टेंशन है कि हम बाहर जाएंगे तो ये बच्चे लोग तो सीधा खिलौने पे ही घुस जाएंगे, क्योंकि ऐसी है ना ये दोनों ना कहीं भी जाए लेकिन बाहर में अगर खिलौना बिक रहा होगा ना तो सीधा कि नहीं मुझे लेना है मतलब लेना वहीं पर सो जाता है, लेना है लेना है लेना है करके क्या करे। तो देख सकते हो ये बाबू कहाँ चले गए, हाँ चलो अब चलते हैं बाहर देखते हैं क्या क्या बिक रहा है। तो ये अभी तो हम लोग फर्स्ट वाले गेट सेंटर के इधर,
मतलब एग्जिट किए हैं और उसके बाद जाएंगे वो मेन गेट पे। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह लोग बैठे थे, वो लोग देख रहे थे मास्क वास्क करके। मैं तो नहीं लगाई थी, मैं तो निकाल दी थी मास्क, क्योंकि थोड़ा इतना गर्मी लग रहा था ना, थोड़ा सा तो नीचे कर ली थी मैं, लेकिन पूरा उसमें लगाई थी मैं। और अभी जस्ट मैं नीचे की हूँ मास्क, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो थोड़ा हवा ववा खाने के लिए। तो देख सकते हो मेन गेट ये है ऊर्जा पार्क का। जब मैं आई थी तो आप लोग को दिखाने वाली थी इसका गेट, पर वो पुलिस वाले लोगों को थे तो मुझे लगा था कि वो मना वना कर देंगे करके, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। फिर बहुत लोग को देखी रिकॉर्डिंग करते हुए, तो सोची चलो मैं भी कर लेती करके। तो देख सकते हो खिलौने वाले लोग इधर बैठे हैं इधर, जिसके पापा देख रहे हैं टेलीफोन। तो मैं बोली, वो बहुत ही महंगा लगा रही थी, तो मैं बोली नहीं इतना महंगा तो नहीं लेना हमको करके, क्योंकि इतना महंगा एक ही लेना होता तो बात अलग होती है। इसमें तो कितने सारे लेते हैं बच्चे, देखो ये लाइट वाइट देख रहे हैं। तो मैं तो इधर कुछ इधर लेना नहीं थी, क्योंकि इतना सारा घर पे ही पड़ा है इन लोग का खिलौना। लाइट रख ली तो ये देखो फेंक दिया था वो। कैसे लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा व्लॉग।